हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिए हुए टेस्ट की प्रैक्टिस आपने घर पे की होगी। तो कौन से टेस्ट आपको मैंने दिए थे उसके बारे में और उसके थोड़े नाम मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको टेस्ट दी थी उस टेस्ट का नाम था, पहले सबसे पहले कौन सी टेस्ट दी थी, प्लेट टैपिंग टेस्ट। और नंबर सेकेंड पे जो हमने टेस्ट दी थी उस टेस्ट का नाम है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ये था हमारा टेस्ट का नाम का रिवीजन। तो आज हम नए टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो नई टेस्ट है हमारी पुशअप टेस्ट। यानी आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, तो आपको करना है पुशअप। लेकिन पुशअप हमें दो हिस्सों में करने होते हैं, यानी बॉयज के लिए अलग पुशअप है और गर्ल्स के लिए अलग पुशअप है। इसलिए इसको गर्ल्स के पुशअप का अलग ग्रुप और बॉयज के पुशअप का अलग ग्रुप, ऐसे दो हिस्सों में बांटे हुए हैं। जो हमारे बॉयज पुशअप करने वाले हैं वो पुशअप रेगुलर पुशअप है, यानी नॉर्मल पुशअप है। लेकिन जो गर्ल्स पुशअप करने वाले हैं उस पुशअप को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। और मॉडिफाइड पुशअप किसको है, गर्ल्स के लिए है। तो आपको ये पता चल गया होगा। तो सबसे पहले मैं अभी बताता हूँ, टेस्ट शुरू करने से पहले हमें क्या चीजें लगने वाली है। तो हमें लगने वाला है एक तो स्टॉप वॉच और दूसरी मैट, जो मैट आपने देखा है जिस मैट पे मैं खड़ा हूँ, और दूसरा लगेगा स्टॉप वॉच। टेस्ट किस तरह से देनी है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। इस टेस्ट में स्टॉप वॉच का यूज करना है टाइम के लिए, लेकिन इस टेस्ट का टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप 2 मिनट पुशअप कर सकते हो तो जितने आपने पुशअप की वो पुशअप वहां पे रिकॉर्ड करनी है। यानी आपने 1 मिनट पुशअप की तो 1 मिनट में आपने कितने पुशअप किए, 30 सेकेंड आपने पुशअप की तो 30 सेकेंड में आपने कितने किए, 2 मिनट आपने पुशअप किए तो 2 मिनट में आपने कितने पुशअप किए, तो वो पुशअप को आपको लिखना है। तो इस टेस्ट में आपको टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन उस टाइम में आपने कितने पुशअप कर रहे हो उसके बारे में जानकारी मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच का यूज आपको पता चल गया होगा। अब हम जान लेते हैं रेगुलर पुशअप, यानी जो बॉयज पुशअप करने वाले, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं और उसके बाद हम मॉडिफाइड पुशअप जो गर्ल्स के लिए है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो हम जान लेते हैं पुशअप के बारे में। पुशअप करते वक्त सबसे पहले जब हम खड़े रहते हैं तो हमें खड़े रहना है हमारा शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे, यानी जो हमारे लेग का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है शोल्डर लेवल डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस पे हमें खड़े रहना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे हाथों के बल आना है, यानी इस पोजिशन में हमें आना है। और ये पोजिशन में जो हमारे दोनों हाथों का जो डिस्टेंस होगा वो भी शोल्डर लेवल होगा। उसके बाद पीछे का हिस्सा, यानी ये बॉडी का पार्ट, ये जो बॉडी का हिस्सा है उसको हमें उठाना है और पुशअप करने हैं। पुशअप करते वक्त जब आप नीचे जाते हो तो आपको यहाँ तक जाना है और वापस ऊपर आना है। इस तरह से आपको पुशअप करने हैं। मैं वापस बताता हूँ पुशअप किस तरह से करना है। जब पुशअप करते हो तो आपको यहाँ नीचे तक आना है और वापस ऊपर आना है। जब आप नीचे जाते हो तो आपकी शोल्डर और एल्बो में 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है, इस तरह से, और ऊपर आना है। ये है हमारे रेगुलर पुशअप। तो ये पुशअप किसको करने हैं, बॉयज को करने हैं। तो किस तरह से करते हैं वो आपने देखें, तो चलो करेंगे मेरे साथ। तो आपने ये पुशअप किए हैं, तो ये थे मेरे सामने से, लेकिन ये पोजीशन में आपको चेंज करके
यानी मैक को टर्न करके आपको वापस पुशअप किस तरह से करने हैं वो बताऊंगा। तो चलो मैं एंगल चेंज करता हूं। एंगल चेंज करने के बाद सेम जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों पैरों में डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, शोल्डर लेवल, और हैंड्स नीचे, और हमें क्या करना है, नीचे आना है इस तरह से। हाथों में भी डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, शोल्डर लेवल, और हमें क्या करना है, पुशअप। पीछे का जो पैर है, हमारे जो पैर है वो किस पे है, टॉप पे, और स्टार्ट। इस तरह से हमें पुशअप करने हैं। तो ये थे हमारे रेगुलर पुशअप। पुशअप करते वक्त हमें किस चीज की जरूरत है, मैट और टाइम यानी स्टॉप वॉच की। तो स्टॉप वॉच लेके आप कितने समय में कितने पुशअप करते हो वो काउंट करना है, और उस पुशअप को हमने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो अब हम जान लेते गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप। गर्ल्स के लिए जो मॉडिफाइड पुशअप है वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं, तो इस पुशअप के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए जो पुशअप होने वाले हैं वो पुशअप होंगे मॉडिफाइड पुशअप। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम सिचुएशन जैसे आप रेगुलर पुशअप के लिए आते हो सेम उसी तरह से आना है, लेकिन आपको गर्ल्स को क्या करना है, नी टच करनी है, यानी अपने नी फ्लोर को टच करने हैं, और पैरों के ऊपर पैर रखने हैं इस तरह से, और क्या करना है, पुशअप करने हैं। ये सेम पुशअप इस तरह से होंगे। क्या किया है गर्ल्स के लिए, नी टच हो गए, पैर के ऊपर पैर, इस एंगल में देखो मेरा पैर, हाँ इस एंगल में पैर के ऊपर पैर आएगा गर्ल्स, और फिर उसको हम थोड़ा पीछे से उठाएंगे पैर को और पुशअप करेंगे। इस तरह से गर्ल्स के मॉडिफाइड पुशअप होते हैं। तो मॉडिफाइड पुशअप के बारे में हम वापस जान लेते हैं, वापस एक बार कर लेते हैं। क्या करना है, दोनों हाथों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, पैर के ऊपर पैर रखना है, नी टच करने हैं, और स्टार्ट करने हैं हमारे पुश को। इस तरह से हमारे मॉडिफाइड पुशअप होते हैं। तो आपको पता चला दोनों पुशअप के बारे में। तो आपको बता दूं, ये जो हमने टेस्ट की, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे हमें क्या पता चलता है। तो टेस्ट देते वक्त हमें, जब आप पुशअप की टेस्ट देते हो तो हमें पता चलता है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में, आपके एंडोरेंस के बारे में, और पता चलता है आपके ट्रंक स्टेबिलिटी के बारे में। ये तीनों चीजों के बारे में आप हमें आपके जानकारी मिलती है। यानी क्या मिलती है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका एंडोरेंस कितना है, आपकी ट्रंक की स्टेबिलिटी कितनी है, ये हमें पता चलता है। इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस टेस्ट लेने के पीछे का कारण क्या है। टेस्ट लेने के पीछे का कारण है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ हमें पता चलती है, आपका एंड्योरेंस पता चलता है, और आपके ट्रंक स्टेबिलिटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आपको पता चला अभी ये टेस्ट के बारे में। तो चलो आप, हम क्या करेंगे, इस टेस्ट की प्रैक्टिस जोरों से करेंगे, और जैसे ही हम स्कूल में आओगे, आप स्कूल में आएंगे
तो क्या करेंगे हम सबसे पहले अपने टेस्ट देने वाले हैं। तो ये फिजिकल टेस्ट में आपकी सबकी हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो आपको टेस्ट के बारे में पता चला तो इस टेस्ट की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय।